धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर रोशनी से जगमगाया बुद्ध विहार और दीक्षा भूमि। आज नागपुर शहर में जहां वहां रास्तों पर जनसागर और भीम सागर दिखाई दे रहा था। भारतीय बुद्ध धर्म के सभी चाहते दिखाई दे रहे थे। आज नागपुर शहर में दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी ने बुद्ध दीक्षा ली है। नागपुर में विजयादशमी के अवसर पर आज 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। इसी सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब की ओर से नागपुर में साल 1956 सन में विजयादशमी के दिन दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तब से यह दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र से और सभी राज्यों से लाखों अनुयायी यहाँ पर आते हैं तथा नागपुर शहर में बहुतांश संस्थाओं से बाहर से आने वाले अनुयायियों के लिए खाने पीने का जगह जगह स्टॉल लगाकर इंतजाम किया जाता है तथा इस कार्यक्रम के लिए 4,000 से ज्यादा पुलिस दल को संरक्षण के लिए रखा गया था। बाहर से आने वाले अनुयायी तथा नागपुर शहर के अनुयायी यहाँ से किताब खरीदी करते हैं, इसीलिए दीक्षा भूमि पर किताबों का ज्यादा से ज्यादा स्टॉल लगाया जाता है। बेने 24 न्यूज की खास रिपोर्ट, नागपुर।